ये ले लक्ष्मी, खाना खा। मुझे नहीं खाना खाना है। तू खाना नहीं खाएगी तो ये जो फूल है ना ये मुरझा जाएगा। वो तो मुरझा गया। तू रो मत, तू खाना खाएगी ना तो एक नया फूल खिलेगा, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा, बिल्कुल तेरी तरह। सच्ची? हाँ। हमें खट्टा खाने को बहुत दिल करता है, कैरिया ला दोगे? लाता हूँ। मेरा नाम बिजली है, क्या तुम मुझे एक बात बताओगी? ये बिजली से तुम्हारा रिश्ता क्या है? वो तुम्हारा कौन लगता है? हाँ? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हे भगवान, लगता है ये लड़की पागल है। बहुत अच्छी हो। अच्छा एक बात तो बताओ, बिजू तुम्हें सबसे छुपा के क्यों रखता है? किसने? अरे वही जो तुम्हारे लिए कैरिया लाने गया है। कैरी? हाँ। तुम मुझे कैरी खिलाओगी? हे भगवान, इसे मैं कैसे पता लगाऊं कि ये कौन है? बोलो ना, कैरी खिलाओगी? एक तरीका है। अच्छा तुम कैरिया अपने हाथ से तोड़ोगी ना? हाँ, 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 मैं तोड़ूंगी। अच्छा अच्छा चलो। हाँ देखो यहाँ पे कितनी सारी कैरिया है। बाप रे, मैं तोड़ कर, मैं नहीं, बहुत ऊपर है, मैं तोड़ती हूँ। ये ये अरे बाप रे, अरे वाह, अब ये लक्ष्मी 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 में इसे पहले कभी देखा ही नहीं। मैंने भी नहीं देखा भैया, पता नहीं कहाँ से आ गई। हाँ। अजीब लड़की है वो, देखो। अरे ये लड़की तो पागल है, गांव में कहाँ से आ गई? अरे अरे अरे, अरे क्या कर रही है, अजीब पागल लड़की है ये। अरे हटो, चल हटो ना, चल चल। हाय दैया, इसका तो आखिरी महीना चल रहा है। भगवान, चाची ये तो कुवारी है। कुवारी है? अरे हाँ, इसकी मांग तो सुनी है और पेट में बच्चा। अरे भगवान। अरे मेरी छड़ी। अरे कैसी लड़की है, अरे देना। अरे मेरी छड़ी दिला दो। अरे इसके गले में तो मंगलसूत्र भी नहीं है। अरे ये तो उल्टा है, पापन है, मारो इसको। अरे मारो। अरे ये क्या कह रहे हैं? अरे हट, तू कहां से भी मारो, मैं क्या हाथ जोड़ती हूँ, मत मारो। मारो
बिजू भैया तुम इसे जाना था का? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूं। अरे जिस गर्भवती औरत की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो वो इसकी रखेल के सिवा और क्या हो सकती है। हरामजादे, ये मेरी बहन है, ये मेरी सगी बहन है, समझो। तू कोई भगवान का अवतार नहीं है कि तेरी बहन होने से इसके पाप धुल जाएंगे। अगर कुल देवता के प्रकोप से बचना चाहते हो तो इस पापन को भी मार दो। या फिर इस आदमी से कहो कि ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। ठीक है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अपनी बहन को लेकर इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। चल लक्ष्मी, चल मेरी बहन। जान सकते हैं कि तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? एक मुजरिम खुद अपने मुंह से कैसे कहेगा कि वो किसी का खून करके आ रहा है? किसने कहा कि मैं खून करके आ रहा हूं? मैंने कहा है। इंस्पेक्टर बरखा शर्मा, अभी अभी मुझे हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन मिली है कि जगपाल का खून हुआ है। यही वो कुलाड़ी है ना जिससे तुमने जगपाल का खून किया है? क्या तुम अब भी यही कहोगे कि तुम खूनी नहीं हो? एक और पापी के खून से अपने बदले की आग बुझा नहीं लूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं एक मुजरिम नहीं बल्कि अपने स्वर्गवासी मां बाप का सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर बनना चाहता था। मेरी बहन जिसे लोग उल्टा और बाप नहीं कहकर पत्थरों से मारते हैं, वो आज की तरह एक जिंदा लाश नहीं बल्कि एक हस्ती खिलखिलाती खुशनुमा जिंदगी थी। मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाता था जब वो मुझे प्यार से भैया कह के पुकारती थी। भैया, राजू भैया। अरे भाई क्या है, तुम जल्दी से दूध पी लो, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगा। भैया पी लो ना दूध। ये क्या रोज रोज तू दूध का गिलास लेकर मेरे पीछे पड़ जाती है? इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुझे है। कितनी पढ़ाई करती है, घर का सारा काम करती है, कॉलेज जाती है, और हाँ इस घर में दूध मेरे लिए नहीं तेरे लिए आता है। और तुम जो मेडिकल कॉलेज की बड़ी बड़ी किताबों में सर खपाते हो, शाम को ट्यूशन पढ़ाते हो और रात को पार्ट टाइम जॉब करते हो, इसकी जरूरत तुमको ज्यादा है। ठीक है काम करते हैं, आधा दूध तू पी ले, आधा मैं पी लेता हूँ। पूरा दूध तुमको पीना पड़ेगा। अरे तू चुप करके पीती है कि मारू एक थप्पड़। हाँ
अरे अरे नहीं 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 मत रो मत रो फिलिप 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 आबे बुरा भी गई और क्या करती मैं तुमने मुझे डरा जा दिया छोटी बहन हूँ ना इसलिए इतना जोर चलाते हो भाभी गाने दो तो फिर देखना क्या कैसे उसके इशारों पे नाचोगे मैं जोरू के गुलाम बन जाओगे मैं गुलामी करूँगा करोगे करोगे वो दिन को रात कहेगी तुम रात कहोगे अरे देखेंगे 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 मुझे तो अभी साफ दिखाई दे रहा है तुम झाड़ू लगा रहे हो झूठे बर्तन साफ कर रहे हो क्या बोली लक्ष्मी की बच्ची लक्ष्मी की बच्ची मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगा अरे अरे झाड़ू पोछा ही क्या सुबह शाम खाना भी बनाओगे ऐसा मगड़ कान मरोड़ता है ना मैं लक्ष्मी 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 और रात को उसके पैर भी दबाओगे अरे क्या कह रही थी मैं उसके पाँव दबाऊंगा उसके पाँव नहीं दबाऊंगा तेरे पैरों में जंजीर बांधूंगा जिंदगी भर के लिए समझी अब बोल कौन किसकी गुलामी करेगा वो मेरी है मैं उसकी हाँ भैया कॉलेज तो 10 बज गए कॉलेज जोरू का गुलाम ए तेरी मेरी जोरू का गुलाम बोलती मैं और जोरू का गुलाम दिखता है किसी को दिखता ही नहीं आजकल अरे यार सब बुक्स खराब हो गए बारिश का दिन तो अच्छा वो पानी से बचिए हाँ? तो लड़की के पाओ यार अरे पारुल तू यहाँ चल चल कॉलेज को देर हो रही है भैया 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 दूध पी लो नहीं दूध नहीं चाहिए मुझे अच्छे बच्चे जिद नहीं करते पी लो अरे नहीं चाहिए यार प्लीज भैया पी लो ना नहीं 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 जब वो इतने प्यार से कह रही है तो पी लीजिए ना हाँ क्यों नहीं पी लेता हूँ ना दे चोरू का गुलाम ब्लाउज प्रेस करना ला मैं कर देता हूँ नहीं नहीं मैं कर लूंगी अरे लाओ ना कुछ नहीं होता ना अरे लाओ ओहो भाभी का ब्लाउज प्रेस कर रहे हो हाँ मैंने सोचा लगे हाथ इस पे भी हाथ फिरा दो हाँ हाँ लगे हाथ भाभी के झूठे बर्तन भी साफ कर देना ठीक है कर दूंगा और लगे हाथ भाभी के सैंडल की पॉलिश कर देना भैया सैंडल पॉलिश नहीं मैं तेरे भेजे की मालिश करूंगा क्या हुआ कुछ जल रहा है क्या जल सकता है भाभी का ब्लाउज 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 ये क्या भैया भाभी का ब्लाउज चला दिया अब ये क्या पहनेगी तुम अपना कपड़ा दो से मेरे कपड़े भाभी को तंग होंगे तुम एक काम करो तुम भाभी के लिए कुछ और कपड़े खरीद लो और साथ में एक शादी का जोड़ा भी शादी का जोड़ा हाँ शादी का जोड़ा तुम और भाभी फौरन शादी कर लो शादी ओम गजानन भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नामामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते वर के हाथ में कन्या का हाथ दीजिए ओम गणानन पा गणपति हम हवा महे गठबंधन कीजिए ओम प्रियानन पा प्रियपति गुम हवा महे रोक दो ये शादी ये शादी नहीं हो सकती रवि का खून करते हुए आपने इसी लड़के को देखा था ना इस बंदे साहब मेरा भाई बेगुनाह है प्लीज प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए वरना वो कमीना मेरी भाभी से शादी कर लेगा तू अंदर कैसे चली आई चल भाग यहाँ से इस बंदे साहब
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे भैया को छोड़ दीजिए। अरे चल हट। ए लड़की रिवॉल्वर दे। ए लड़की रिवॉल्वर दे, मैं कहता हूँ रिवॉल्वर दे। बताओ बताओ मेरा भैया कहाँ है, बताओ। बताता हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तन्नो हरि ओम गणनाथ मंगलमामहे। गणय त्रिंबके गौरी नारायण मंत्र चालू रख पंडित। इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर, इतना भी नहीं सोचा कि तेरे बाद मेरा क्या होगा। मेरे सपनों का खून किया है तूने, मेरे अरमानों की चिता जलाई है तूने। इसकी चिता में ये अकेली नहीं जलेगी, तू भी जलेगा इसके साथ कमीने, तू भी जलेगा इसके साथ कमीने। सूर्यदेव सिंह, तुम्हारी सुहाग की सेज बड़ी सोनी होगी। अगर पारुल के साथ तुम सुहागरात नहीं मना सके तो कोई बात नहीं, इसकी बहन के साथ अपनी सुहाग की सेज सजा लो। खबरदार, जो मेरी बहन को किसी ने हाथ लगाया। सूर्यदेव सिंह, खबरदार, जो मेरी बहन को किसी ने हाथ लगाया। नहीं, 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 मैं मार डालूंगा सबको। सूर्यदेव सिंह, लक्ष्मी, मुझे बचाओ। लक्ष्मी Yeah!
भगवान, अम्मा लगता है इसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। जिंदा है तो बिरजू का पता आसानी से चल जाएगा। इसे इसे बच्चा होने वाला है, इसे छोड़ दे बेटा, इसे छोड़ दे। इसे छोड़ दो? छोड़ दो? हाँ। कैसे छोड़ दो? हाँ? अपने होने वाले बच्चे की माँ को कैसे छोड़ दो? हाँ। नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अरे कोई आओ। अरे गोली बिली मत चलाओ। तोला, अगर गुली से सांड बेकाबू हो गया तो उसे बिरजू के सिवा तो ये बात है। अब देखता हूं कि बिरजू बाहर कैसे नहीं आता है। बिरजू कहाँ है बिरजू? अरे ये तो बिरजू का शहीदा है, इसके लिए बिरजू क्या, उसकी लाठी काफी है। ओह, तो ये बिरजू का चाहता है। बिरजू का चाहता है ये, बिरजू का चाहता है ये, बिरजू का चाहता है। और कौन है बिरजू का चहिता? मैं हूँ उसका चहिता। मैं हूँ और मेरा ये भाई है। हम सब हैं।
बिरजू भाग भाग बिरजू भाग भाग लोगों को जानबूझ कर इधर लाया ताकि बिरजू उस इंस्पेक्टर से अपना बदला ले सके। थोड़ी देर बेटी, Ah! Ah! Ah!
इसे अपनी बहन का अंतिम संस्कार तो करने दो। क्या करने तुम बुढ़िया? इसे इसे अपनी बहन का अंतिम संस्कार तो करने दो बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ। करने देता हूँ उसको अपनी बहन का अंतिम संस्कार, लेकिन उसके बाद इसकी चिता जलेगी और मैं करूंगा अंतिम संस्कार। अबे जल्दी कर, तेरी बहन का अंतिम संस्कार है, उसकी शादी नहीं। Huh.